बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लू वर्ल्ड सिटी के तमाम चाहने वालों को मैनेजमेंट की तरफ से सलाम। मुख्तलिफ़ किस्म की चैमा गोइयाँ हो रही हैं और जो अफराद क्रिटिक करते हैं ब्लू वर्ल्ड पे वो अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूज़ पिछले दिनों में और तासुरात लोगों के देखने को इन दिनों में मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं। एक मुश्किल वक्त में जो कभी किसी को फेस करना पड़े तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुनना पड़ता है। वो हेल्दी भी होता है, उसमें नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, उसमें बहस प्राय बहस भी होती है। हम ओपन हार्टेडली सब सुन रहे हैं और आप सब के सब सवालों के सब जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह हम देने को तैयार हैं और दे भी रहे हैं। साथ साथ जहाँ जहाँ जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है हम उसको उसका अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी जवाब दे रहे हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल किया गया कि जी खुदा ना खास्ता आपको अगर अदारों की तरफ से NOC नहीं दिया जाता किसी भी वजह से, भले उनकी अपनी कोई नेगेटिव एजेंडा हो या आप मीटअप ना कर पाएँ रिक्वायरमेंट्स को, तो इन एनी केस एन NOC इज़ नॉट रिलीज व्हाट विल यू डू। तो कल हमने उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो यही जवाब है, दोबारा एक दफ़ा सारे सुन लें, कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने हमें सरमाया दिया उससे हमने ज़मीन ख़रीदी और ज़मीन हमारे पास इतनी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम 1/4 ज़मीन पे डिलीवरी करें भी तो हमारे पास 3/4 ज़मीन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेस है। जो दुबई का ख्वाब हम ने देखना शुरू किया हुआ है अपने लिए और इस कौम के लिए, जो कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि इतनी प्रोग्रेसिव गुफ्तगू और इतने यूनिक आइडियाज़ इस मुल्क में ज़िंदा रहते हुए कैसे सोच सकते हैं और यहाँ कैसे नाफिज कर सकते हैं। तो अल्लाह ने चाहा, नाफिज तो अल्लाह की ज़ात ने करना है। हम सिर्फ एफ़र्ट के इरादों के मुकल्लफ़ हैं, उसकी इस्तात भी अल्लाह ने देनी है और उसके वसाइल भी अल्लाह पाक ने देने और अल्लाह पाक अता कर रहे हैं। ये जो नेगेटिविटी भी हमारे ख़िलाफ़ फैलाई जाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मार्केटिंग का बायस बनती है और जिसको नहीं भी पता होता उसको हमारे प्रोजेक्ट का पता लग जाता है। तो यही मेहरबानी एक दफ़ा दोबारा ब्लू वर्ल्ड सिटी पे की गई है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट ये है कि जिसको नहीं भी पता था हमारी डेवलपमेंट और ज़मीन की तादाद के बारे में उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह आज पता है। तो दो चार चीज़ें, एक तो हमने कहा हमारे पास ज़मीन मौजूद है तो हम अपने एंड यूज़र्स को रजिस्ट्रियाँ करा देंगे और वो अपने अपने जो हिस्से की ज़मीन है जो उनको प्लॉट की सूरत में इंशाल्लाह कटिंग करके देंगे वो उसको उस पर अपनी आबादकारी कर सकते हैं। इस पर कोई कानून किसी को रजिस्ट्री करा के देने पे पाबंदी नहीं लगा सकता। जो डेवलपमेंट हम साइट पे कर रहे हैं वो हम कोर्ट ऑर्डर्स के तहत कर रहे हैं और 2000 बीइंग कमांड बाय सिविल एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर्स, उनको भी कोई चैलेंज इसलिए नहीं कर सकता कि वो फाइनलिटी इख्तियार कर गए हुए हैं। वो रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर अदारों के ख़िलाफ़ थे, उनको उन्होंने चैलेंज नहीं किया था अपने वक्त पे, वो फाइनलिटी इख्तियार कर गए, लिहाजा वो अब अनडूएबल है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना प्रोजेक्ट उस हवाले से डिलीवर कर रहे हैं। जहाँ तक चीज़ रहेगी सर्विसेज की, तो आजकल जो बिजली पानी गैस के हालात इस मुल्क में हैं वो सबको अपनी अपनी ही पैदा करनी पड़ रही है और हमने सोलर जनरेशन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आप 1.5-2 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं। वो हम अपने हर सेक्टर का अलग अलग पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। जितने हमारे बरसाती नाले हैं उनको हम खूबसूरत लेक्स में कन्वर्ट करके उनको ऊपर से सोलर पैनल्स के साथ कवर करेंगे, जिस तरह से मॉडर्न दुनिया में होता है। और उसके नतीजे में पैदा होने वाली बिजली जो है अल्हम्दुलिल्लाह इलाका मकीनों को अर्जा कीमतों पर दी जाएगी और वो वापडा जितनी महंगी बिजली इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये प्रोविजन हम आपको देंगे, अल्लाह ने चाहा तो हम वापडा से आधे रेट पे बिजली प्रोड्यूस करके अपने बासियों को देंगे और इंशाल्लाह हुकूमत वक्त के लिए एक मिसाल कायम करेंगे कि आप ख़ुद कफ़ील होना चाहें तो बहुत सारे तरीके हैं दुनिया में अवेलेबल, अगर हमारी नीयत है ये काम अचीव करने की। इसी तरह गैस के हवाले से नेचुरल गैस भी आपको पता है इस मुल्क में फुकदान है और वो नहीं अवेलेबल होती, तो हम LPG प्रोजेक्ट्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं और LPG के थ्रू हम गैस की सप्लाई पूरे प्रोजेक्ट को करेंगे और उसमें भी कोई कतन या ममानियत नहीं है। और उसके अलावा एक बड़े पावर प्रोजेक्ट के साथ हमारी क्रॉस दी मोटरवे गुफ्तगू हो रही है, उनकी स्पेशलिटी पावर प्रोजेक्ट्स लगाना है, तो वो पावर प्रोजेक्ट लगा के अपने लाइसेंस के थ्रू जो उनके पास ऑलरेडी है वो सेलिंग कर सकते हैं टू एनी ऑफ दी सराउंडिंग विसिनिटी। तो वही काम हम इंशाल्लाह वो अपने प्रोजेक्ट के लिए भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो दे आर डिफरेंट वेज ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स। फिर एक इस तरह की बहस मैंने देखी कि जी कुछ ब्लॉक्स आपने पहले लॉन्च किए थे वो आप डिलीवर नहीं कर रहे, कुछ ब्लॉक्स आपने नए लॉन्च कर दिए हैं, वो आपका फोकस उन पे, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है हमारा इरादा। आप इसको इस तरह से लें कि आप ब्लू वर्ल्ड सिटी में आए किस लिए, ब्लू वर्ल्ड सिटी की यूनिकनेस क्या है। ब्लू वर्ल्ड सिटी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अ रूटीन हाउसिंग प्रोजेक्ट। ब्लू वर्ल्ड सिटी एक शहर का नाम है और वो शहर टूरिज़म के गर्द रिवॉल्व करता है, और टूरिज़म को डेवलप करने के लिए उसने इस तरह के प्रोजेक्ट्स लगाने हैं जो एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए वायबल ही नहीं है। मसलन जो हमारा वाटर पार्क है उस पर 2.5-3 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आप वो सुन के आए हैं ना यहाँ पे लेने के, यार हमने ऐसे प्रोजेक्ट में जगह लेनी है जहाँ पे वाटर पार्क हो। फिर उसके अलावा हम बुर्जुल अरब बना रहे हैं, उस पर भी एक ख़तीर रकम लग रही है। फिर हम ब्लू मस्जिद इस्तंबुल बना रहे हैं, उस पर भी एक ख़तीर रकम लग रही है। हमारा एक एक गेट जो है वो 15 से 20 करोड़ रुपये मालियत में तैयार हुआ है, और अब आज की डेट में वो बनाने जाएँ तो शायद 50 करोड़ रुपया एक गेट को बनाने पे तामीर हो। और मैं नहीं समझता कि इस तरह की अटैम्प्ट कोई और प्रोजेक्ट दोबारा कर पाएगा। कि ये अल्लाह की मेहरबानी थी, एक टाइम होता है, एक वक्त होता है एक चीज़ के होने का, वो अलहम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड ने वो वक्त गुजारा है और अल्लाह पाक ने वो नुसरा अता की है कि हम वो क्रिएट करने में कामयाब हुए हैं साइट पे, वो क्रिएटिविटी जिसे देख के आप ब्लू वर्ल्ड की तारीफ़ करते हैं। तो ब्लू वर्ल्ड जो आज ब्लू वर्ल्ड है वो उन लवाजमात की वजह से है जो वहाँ पे साइट पे डेवलप किए गए हैं और मौके पे अवेलेबल हैं। आप लोग उसको देखते हैं, उनको महसूस होते हैं, जो उनसे महसूस होते हैं। जो वर्ल्ड टॉलेस्ट हॉर्स मैस्कॉट्स हैं उनको बनाने पे भी एक रकम इन्वेस्ट हुई है, आप उनको देखते हैं तो महसूस होते हैं ना। तो ये रूटीन के हाउसिंग प्रोजेक्ट से आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि रूटीन की सेलिंग में या रूटीन के प्रोजेक्ट साइज़ में इस तरह के अरबों खरबों रुपए के जो डेवलपमेंट्स हैं वो नहीं की जा सकती, या कम से कम अरबों में भी अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट हो तो वो एक रूटीन हाउसिंग प्रोजेक्ट 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार कनाल वाला नहीं कर सकता। ये चूँकि हम शहर आबाद एक करने जा रहे हैं और उस शहर के लेवल पे जाके उस माइंडसेट को यूटिलाइज़ कर रहे हैं जिस माइंडसेट से दुबई और सिंगापुर जैसी डेवलपमेंट्स क्रिएट होती हैं, और उस पूरे मास्टर प्लान को मद्देनज़र रखते हुए ये काम कर रहे हैं। तो अगर आप उस यूनिक सेलिंग फीचर्स की वजह से ब्लू वर्ल्ड में आए हैं तो हैव द पेशेंस टिल द टाइम द एंटायर प्रोजेक्ट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑल टुगेदर। को हम ब्लॉक वाइज एक हाउसिंग सोसाइटी नहीं डेवलप कर रहे। और होता ये है जी, लैंड बाइंग में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लैंड बाइंग जिस वक्त आप करते हैं तो अबंडेंस में आप एक लैंड ख़रीदने में अगर कामयाब हो जाते हैं वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट शुरू कर लेते हैं। ये फॉर ऑल द रियल एस्टेट स्टूडेंट्स है जो कल को कभी अपने इस ज़िंदगी में हाउसिंग प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये बात है कि जो ज़मीन बीच में पॉकेट्स की सूरत में बच जाती है वो इतनी महंगी एक प्रोजेक्ट को ख़रीदनी पड़ती है। एक भाई बेच गया, एक भाई ने नहीं बेची, 4 ख़ानदान के मेंबर बेच के 2 अड़ गए, तो वो बाद में प्रोजेक्ट को इतनी महंगी ख़रीदनी पड़ती है कि जिस रेट पे इनिशली वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ होता है उसमें वो बारे में ही नहीं होता कि आप उसको डिलीवर कर पाएँ एट दी ओल्ड रेट्स। तो उसका तरीक़ाकार फिर क्या है? उसका तरीक़ाकार ये है कि प्रोजेक्ट ने कहीं और कहीं सस्ती ज़मीन ख़रीदी है, वहाँ वो वैल्यू एडिशन करके महंगी चीज़ बेचेगा तो पिछली डेवलपमेंट अपनी कंप्लीट कर पाएगा। यानी उसने कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं वैल्यू एडिशन करनी है। तो जो स्ट्रेटजी अल्लाह पाक ने हमें यहाँ अडॉप्ट करने का मौका दिया कि हम आपको आपके ब्लॉक्स डिलीवर करते जा रहे हैं, और उसमें हम जहाँ हमने महंगी ज़मीन ख़रीदी है वहाँ हम महंगे ब्लॉक्स भी साथ क्रिएट कर रहे हैं। मसलन आपका हॉलीवुड ब्लॉक है, मसलन ओवरसीज़ में एक सेक्टर हमने थोड़ा सा महंगा रखा है, फिर आपका स्पोर्ट्स वैली के अंदर जो शोएब अख्तर एनक्लेव है उसको हमने थोड़ा सा महंगा रखा है। तो इस प्राइस एडिशन से हम इस काबिल होंगे कि हम वो लैंड की कंपनसेशन बेयर कर सकें जो अदरवाइज़ किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट और सोसाइटी के लिए पॉसिबल नहीं होती। रूटीन के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ना ये कैलकुलेशंस करते हैं ना ये माइंडसेट रखते हैं, इसलिए वो नाकाम हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने आपके प्रोजेक्ट में और आपके प्रोजेक्ट से ऐसे अफराद जोड़े हैं जो ये तमाम कैलकुलेशन सुबह शाम करते रहते हैं। चौधरी नदीम निजात साहब, नईम निजात साहब, स्पेशली इस पे वर्किंग करते हैं लैंड पे, उन्होंने महंगी और सस्ती ज़मीनें ख़रीद के ऐसा मरकब बनाया है जो दुबई के साइज़ का शहर क्रिएट करने की बुनियाद बन रहा है। अलहम्दुलिल्लाह हमें उन्हें उसका बहुत सारा क्रेडिट देना चाहिए। इसी तरह बहुत सारी क्रिएटिव टीम्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट के साथ लगी हुई हैं, जिसमें डेवलपमेंट के लोग हैं, जिसमें क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग विंग है, फिर ऑपरेशंस का एक विंग है जो आपके बैक एंड ऑपरेशंस देखता है, फिर आपके हमारा कॉल सेंटर है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, फिर आईटी के लोग हैं, फिर सीसीटीवी और सिक्योरिटी के लोग हैं। यानी बेबहा किस्म की सर्विसेज एक प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और वो नॉर्मल हाउसिंग प्रोजेक्ट या नॉर्मल माइंडसेट वो अचीव ही नहीं कर पाता। लिहाजा इस बात को समझें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं है, एक पूरी साइंस है जो एक शहर को आबाद करने के लिए एक जगह पे कैपिटलाइज करनी पड़ रही है, और उसके नतीजे में ये ब्लू वर्ल्ड सिटी एक प्रोजेक्ट बन के उभरेगा। और उसमें जो हम लेटेस्ट काम कर रहे हैं इस शहर को आबाद करने में, कि हम बड़े ब्रांड्स को साथ अपने कोलैबोरेशन में लेके आ रहे हैं, जिसमें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, कैपिटल स्मार्ट सिटी हमारे साथ जॉइंट वेंचर में आ रहा है, और जो डेवलपर्स बड़े हैं, मैं बार बार उनके नाम लेता रहता हूँ, वो आ रहे हैं, और उनके आने से जो वैल्यू एडिशन होगी सर्टेन एरियाज़ ऑफ दिस सिटी, उसका इफेक्ट सारों को जाएगा। जब आपके इलाके में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी आके 5 मरले का प्लॉट जो है वो 60-70 लाख का, करोड़ रुपए का बेचेगी, इस्लामाबाद के रेट से ज़रा कंपेयर करें ना। 5 मरले का कोजे सकोजा प्लॉट भी इस्लामाबाद में मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक करोड़ रुपए से कम नहीं है, या 2 करोड़ रुपए की रेंज में चला जाता है, और 10 मरले फिर उसी हिसाब से महंगा है। कनाल की तो आप बात ही ना करें, और 2 कनाल तो भूल ही जाएँ। 2 कनाल की कोठियाँ F7 में 40-40, 50-50, 60-60 करोड़ रुपए की हैं, और जिन्होंने अच्छे घर बनाए वो 1-1 अरब रुपए में बेच रहे हैं, और वो आपसे कितना दूर है, जस्ट अ 45 मिनट ड्राइव। एंड इमेजिन इफ़ DHA कम्स इनटू योर प्रोजेक्ट, और DHA आके वहाँ अपना प्रोजेक्ट आबाद करता है, और उसके इर्द गिर्द ब्लू वर्ल्ड सिटी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग टाइप को स्ट्रक्चर ले आता है, चलो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ना सही, साउथ एशिया का सबसे ऊंची बिल्डिंग ले आता है, जिस पे हम काम कर रहे हैं इस वक्त। एक वाटर थीम पार्क जो पाकिस्तान की अवाम ने पहले कभी देखा ही नहीं, जिसमें दुनिया की तमाम हॉट राइड्स अवेलेबल होंगी, और वो आपके मुल्क में हो। जब बुर्जुल अरब यहाँ पर बना हुआ हो, और एक 7 स्टार होटल बना हुआ हो, जब ब्लू मस्जिद इस्तांबुल जैसी मस्जिद यहाँ पर बनी हुई हो, तो क्या तब भी आप नहीं समझ पा रहे कि जी इस प्रोजेक्ट की वैल्यू एडिशन इस तरह की हो जाएगी कि आपके जो 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 लाख वाले प्लॉट ख़रीदे हुए हैं वो अलहम्दुलिल्लाह अपनी वैल्यू मल्टीप्लाई करने में कामयाब हो जाएंगे 4-4, 5-5, 7-7 गुना। तो अलहम्दुलिल्लाह इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। हमने अपने प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज़ 2018 में किया और 2022 तक 2018 के बेचे हुए यूनिट्स यानी जो रजिस्टर किए गए यूनिट्स, उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड बड़ी मुश्किल से 2022 में पूरी होती है, और अगर सब ने अपने टाइम पे पेमेंट दी होती तो। और आपको पता है किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में 40-50% सिर्फ ऑन टाइम पेमेंट्स होती हैं, बाकी सब पेमेंट्स लेट होती हैं, और 4 साल वाली पेमेंट 6-7 सालों में जाके मिलती हैं। तो उसी हिसाब से भी प्रोजेक्ट ने अपनी अपनी डिलीवरी को रीस्केड्यूल करना होता है। बहरहाल जिन लोगों ने अपनी पेमेंट्स ऑन टाइम की, उनको हम ऑन टाइम डिलीवरीज़ दे रहे हैं और उनको दे चुके हैं डिलीवरीज़, और उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उनका कोई 2 साल का टाइम पीरियड होगा। तो यानी एक कस्टमर को अपना डिलीवरी टाइम अराउंड 6 ईयर्स देखना चाहिए। तो 2018 में हम लॉन्च हुए हैं एंड इट इज़ 2022, 2023 राइट नाउ, तो 24 में या 25 में जाके हमारी डिलीवरीज़ ड्यू होनी है, और हम उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं। तो हैव पेशेंस, अलहमदिल्ला हम काम कर रहे हैं, और कुछ जगहों पे आपने काम खुद जानबूझ के स्लो करना होता है, जहाँ लैंड बाइंग आपने अभी कुछ पार्ट्स की पोर्शंस की रहती हो, वो आप वेट एंड सी की स्ट्रेटजी के तहत, जिस वक्त अगला सेलर जो है, आप कब्ज़ा छीन तो सकते नहीं किसी से। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है डेवलपर्स के बारे में, और सारे डेवलपर्स को एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह रकबा ख़रीद के पोजेसन लेते हैं, और हाँ फिर वो पोजेसन किसी नथु खतु गैरे को नहीं देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड की तमाम मैनेजमेंट सुबह शाम सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी को अपने तमाम कारोबारी शराकत दारों के साथ मिल के दुनिया का मिसाली शहर बनाना है, इसको एक टूरिस्ट सिटी बनाना है, पाकिस्तान की शनाख्त बनाना है और पाकिस्तान में जो इकनॉमिक क्राइसिस है इसके रिवाइवल की बुनियाद बनाना है। तो जज़ाकल्लाह खैर जी, हैव पेशेंस ऑल ऑफ़ यू एंड बाकी अच्छे बुरे वक्त आते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत सारे पहले काटे और भी देखने को तैयार हैं। जहाँ आप बात कर रहे हैं पूरा का पूरा इकनॉमिक स्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की और एक शहर बसाने की, तो एक मिसाल है जी जो मैं आजकल अपने रफ़ाका को देता होता हूँ, आपको भी बताता हूँ कि दुबई के शेख अपनी एक स्टोरी है शेख मोहम्मद बिन राशिद, उसमें वो बयान करते हैं कि मेरे उस्ताद जो हैं वो मेरे जो वालिद साहब हैं वो मुझे बचपन में अपने उस्ताद के साथ सहरा में भेज देते होते थे। ये तब की बात है जब दुबई डेवलप होने से पहले की बात है, तो जब शेख राशिद के दौर की बात है, तो वो इन्हें सहरा में भेज देते थे और उनके उस्ताद मोहतरम जो हैं वो रात को सहरा में जिस टेंट में इनको ठहराते थे इनके बिस्तर में छोटे छोटे बिच्छू छोड़ देते थे और वो बिच्छू जो है उनको डंग मारते थे और सुबह उठ के वो उन बिच्छुओं का जड़ी बूटियों के साथ इलाज करते थे। तो शेख मोहम्मद बिन राशिद फरमाते हैं कि ये बात मुझे तब जाके समझ आई कि मेरे टीचर ऐसे क्यों करते हैं। जिस दिन सहरा में मैं अकेला था और एक बड़े बिच्छू ने मुझे डांग मारा, तो उन छोटे बिच्छुओं के काटने से जो इम्यूनिटी मेरे जिस्म में क्रिएट हुई उसने मुझे उस बड़े बिच्छू के डांग से बचा लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये जो छोटे छोटे बिच्छू डांग मार रहे हैं ना जी, ये आपकी इम्यूनिटी क्रिएट कर रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं, बड़े बिच्छुओं के लिए तैयार कर रहे हैं। और बड़े बिच्छू जो है वो इस मुल्क में जो अल्लाह का दीन नाफिज करने की सोच और अल्लाह का दीन नाफिज करने की राह में रुकावटें जो हैं वो बड़े बिच्छू हैं और हम सब ने मिल के उनका मुकाबला करना है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं और अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को जानने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हमारे हाउसिंग के मसाइल, हमारे घरों के मसाइल, हमारे पानी बिजली गैस के मसाइल ये सानवी हैसियत रखते हैं और उस वक्त तक रखते हैं जब तक हम ज़िंदा हैं। और मरना हक है, मौत हक है, हम सब ने मर के अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह को जवाब देह होना है कि जो इस्तात उसने हमें दुनिया में अता की वो क्या हमने उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को दुनिया में नाफिज करने के लिए हमारा उसमें किरदार क्या था। तो हम अपने प्रोजेक्ट के थ्रू और अपने अमल के थ्रू और उस लोगों से किए हुए वादों के थ्रू और उससे कमाए हुए माल को अल्लाह की राह में ख़र्च के ये जो सोच आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसको फैलाने की खातर अल्लाह की कसम ये काम कर रहे हैं। और कोई इरादा नहीं और कोई ख्वाहिश ही नहीं, रोज़े अव्वल से एक ही ख्वाहिश अल्लाह पाक ने दिल में रखी और वो ये है जो मैंने आपसे बयान की है, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं। इसलिए जगह जगह ना चाहते हुए भी लोग कहते हैं कि जी आप डेवलपर हैं, डेवलपर ही रहें, मज़हब के ठेकेदार ना बने। भाई हम मज़हब के ठेकेदार नहीं हैं, मुसलमान तो हैं ना। और अल्लाह पाक ने जो हर मुसलमान को एक फरीज़ा अता किया है उस फरीज़े को निभाना है कि नहीं निभाना। अगर आपको अपनी आखिरत भूली हुई है, अल्लाह का शुक्र है कि हम अल्लाह पाक ने याद रखने का मौका दिया हुआ है और ये सोच ज़िंदा रखी हुई है कि एक दिन अल्लाह के पास जाना है और उसे जवाबदेह होना है। तो उस जवाबदेह होने के लिए ये सारी कोशिश काविश जो अल्लाह पाक ने हमें कैपेबिलिटीज़ अता की हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरों की खाक के सदक़े, उनको बुरुए कार लाते हुए बेहतरीन किस्म का प्रोजेक्ट डिलीवर करें, बेहतरीन किस्म की सोच डिलीवर करें और बेहतरीन किस्म का निज़ाम इस शहर के लिए भी वज़ा करें और उस शहर को मिसाल बना के फिर अपने मुल्क के लिए भी वज़ा करें। जज़ाकल्लाह खैर जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।